500 सालों के इंतजार के बाद आखिरकार आज 22 जनवरी को अयोध्या के भव्य राम मंदिर में रामलला विराजने वाली है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी समेत संत समाज और विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति में रामलला के श्री विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक अनुष्ठान सम्पन्न कुछ ही देर में होने जा रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर के साथ साथ विदेशों में भी जश्न का माहौल है और मिठाइयां बच रही है। इसके अलावा न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर भगवान राम और मंदिर की 3D तस्वीरें लगाई गई है। बता दें कि ब्रिटेन में आस्था कलश यात्रा निकाली जा रही है और अखंड रामायण का पाठ किया जा रहा है। वहीं अमेरिका के कई शहरों में भारतीय मूल के लोगों द्वारा शोभा यात्रा निकाली जा रही है, मिठाइयां बांटी जा रही है, जबकि मॉरिशस में सड़कों को सजा दिया गया है और ऑस्ट्रेलिया में भी शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इस ऐतिहासिक दिन पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने अयोध्या में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा पर देश के लोगों में जश्न मनाने का आग्रह किया और कहा कि भगवान राम का आशीर्वाद शिक्षाएं लोगों की शांति समृद्धि की दिशा में मार्गदर्शन करती रहनी चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल पर ट्वीट करते हुए लिखा कि आइए श्री राम के अयोध्या लौटने की खुशी में आयन का आशीर्वाद और शिक्षाएं शांति और समृद्धि की दिशा में हमारा मार्ग प्रशस्त करती है। जय हिंद, जय मॉरिशस। संयुक्त राज्य अमेरिका में 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भारतीय मूल के लोग काफी ज्यादा उत्साहित हैं। इस ऐतिहासिक अवसर पर पूरे अमेरिका में एक दर्जन से ज्यादा कार्यक्रम आयोजित है। अमेरिका के न्यूयॉर्क, टाइम्स स्क्वायर, वॉशिंगटन DC, LA, सैन फ्रांसिस्को, एलिस्को, न्यू जर्सी, जॉर्जिया सहित बोस्टन तक जश्न का माहौल है। इसके अलावा अमेरिका में विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले गोल्डन गेट ब्रिज पर एक कार रैली का आयोजन भी किया था। मॉरिशस से अमेरिका के अलावा यूके में भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह की धूम देखी जा रही है। 250 हिंदू मंदिरों में उत्सव की तैयारियां जोरों शोरों से देखी जा रही है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में भी अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कई सार्वजनिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इस मौके पर ऑस्ट्रेलिया के सैकड़ों मंदिरों में कार्यक्रम आयोजित है। ताइवान में प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर इंडियन एसोसिएशन ऑफ ताइवान लाइव स्ट्रीम कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ राम मंदिर के सदस्यों ने रविवार को न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में भी लड्डू बांटे थे।